जिस मिशन से आदरणीय मोदी जी आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, उनके नेतृत्व में काम करने को मुझे सौभाग्य मिला है। रामपुर की शामें बड़ी रंगीन हो जाएंगी अब तो वो यही कहेंगे कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दो तो फिर मेरी चालो ठुमके देख लो। चुनावी गंगा में कूड़ा करकट और वैचारिक प्रदूषण फैलाने वालों की फौज खड़ी हो गई है। सियासी स्कोर करने के चक्कर में बदजुबानी की बहार चल रही है। आज हम आपको ऐसे ही बदजुबानों से मिलवाएंगे। सबसे पहले समाजवादी पार्टी का हाल देखिए, जहां ये श्रीमान न्यूनतम संस्कार का भी अंतिम संस्कार करने पर तुले हैं। जया प्रदा जी, तो मैं तो एक दिन बस में जा रहा था तो उनका काफिला जा रहा था, जाम लगा था, तो मैंने बस में से उतर के उनको देखने की कोशिश की और ये भी कि हो सकता है कि जाम खुलवाने के लिए कहीं ठुमका ना लगाते हैं, तो बड़ी अजीब अजीब सी बात है। और रामपुर में तो रामपुर की शामें बड़ी रंगीन हो जाएंगी अब तो, जब चुनावी माहौल चलेगा तो रामपुर के लोग भी बहुत माशाल्लाह अच्छे हैं, सुलझे हुए हैं, हालांकि सूझबूझ के हैं, क्योंकि रामपुर में मानी आजम खान साहब ने इतना काम कराया है तो वोट तो वो समाजवादी पार्टी को ही देंगे रामपुर के लोग, पूरे लोकसभा के। लेकिन अपने मज़े लूटने में वो कसर इस वक्त छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि फिर उन्हें एक दफ़े मौका मिला है तो वो यही कहेंगे कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दो तो फिर मेरी चालो ठुमके देख लो, तो शामें तो वहाँ की खूब रंगीन होंगी। तो जया प्रदा के रामपुर की तरफ रुख करने की खबर से समाजवादी पार्टी खेमे में ऐसी खलबली है कि अनाप शनाप टिप्पणियां की जा रही हैं। ऐसे चेहरे हर जगह हैं। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी साहब से आप वाकिफ होंगे। प्रदा तो वक्फ बोर्ड का है लेकिन निष्ठा बीजेपी में रसी बसी है। प्रियंका गांधी पर इनका भी अभद्र प्रहार देख लीजिए। मेरी निगाह से वो सुंदर है, सुंदर लेडी है, किसी की खूबसूरती की तारीफ करना बुरा नहीं है, उसे बुरा भी नहीं मानना चाहिए। वो सुंदर है, जब से वो इस फील्ड में आई है यानी कि मार्केट में आई है, अगर के पहले आ गई होगी जिस वक्त हम अपनी पिक्चर को शूट कर रहे होते तो हमारी पिक्चर में जफर खान की एक बहू का रोल है जो नाज़नीन पटनी ने किया, उसके लिए हम एक मुसलमान लड़की ढूंढ रहे थे एक्टर। अब बीजेपी की एक महिला उम्मीदवार का बौद्धिक खोखलापन भी देख लीजिए। गुंडागर्दी का ऐसा परचम लहराते आपने बहुत कम देखे होंगे। अगर किसी ने यहाँ पर आत्मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो ये संहिता मौर्या उससे भी बड़ी बिल्ली बन जाएगी। ये मुगालते में है कि मान सम्मान मर्यादा मटिया मेट कर देने से इन्हें जनता का विश्वास मिल जाएगा। जनता जानती समझती और समझाती भी है। बात मुद्दों पर हो, वार जायज और सटीक हो, सवाल उठे तो सही दिशा में उठे, वरना अंजाम तो ये भी जानते हैं।